हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, होप आई एम ऑडिबल, राइट? टुडे सर आई एम गोइंग माई सेल्फ मनीष ठाकुर। आई एम द असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज। आई एम गोइंग टू टेक द क्लासेस ऑफ डेटोनेशन एंड नॉकिंग, राइट? ठीक है। Already I have discussed something about the knocking, how the knocking is or detonation is produced within the cylinder, right? Within the engine, right? Okay. Okay, this is the table of content. We will look for the knocking, what is the definitions of that and a reason behind the knocking and what is the effect of the knocking on the engine, right? Okay, this is the table of content, right? What do you mean by knocking? Anyone want to give the definitions of knocking here? Anyone? Amit Kumar Hemram? Can you hear me? Amit Kumar Hemram? Yes, sir. Okay, tell me the definitions of knocking. What do you mean by knocking? Already I have discussed what is the normal and abnormal combustions, right? Okay. Anyone want to add more thing? Anyone want to add more thing about the knocking? What do you mean by knocking? आप क्या समझते हो knocking या detonations? से क्या समझते हैं आप? Already I have discussed about the stages of combustion engine in the Asia engine, right? Different type of stages which has been delivered or observed by the Ricardo, right? ठीक है, Ricardo is a scientist. ठीक है, तो तीन stages होते हैं, वो सब आपको पढ़ा चुके हैं last classes में, right? ठीक है, there are three stages of combustion. That is, फर्स्ट स्टेज क्या था? स्टेज वन में क्या होता था? वहां पे क्या होता था? न्यूक्लियस जो होता है आपका, स्पार्किंग ऑकर्स. ठीक है, देयर विल बी ए केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज व्हाट विल हैपन? द बर्निंग प्रोसेस इज स्टार्टेड, राइट? बर्निंग प्रोसेस इज स्टार्टेड एंड आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड प्रोसेस सेकेंड स्टेज व्हाट विल हैपन? The burning process completed and third process, that is the after burning process is started, right? ठीक है, clear है? Already I have discussed. So there are two types of combustion. First one is normal and second one is abnormal combustion. ठीक है, so due to the abnormal combustions, ठीक है, there is a two bay front. ठीक है, दो bay front क्या होता है? दो flame front बनता है जिसके कारण दोनों क्या होता है? Collide कर जाता है. ठीक है, जिसके कारण देयर विल बी ए एबनॉर्मल साउंड दैट विल बी जनरेटेड ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस, राइट? ठीक है, एंड दैट एबनॉर्मल साउंड इज नोन एज आपका नॉकिंग. ठीक है, ये जो इंजन में जो एक शार्प आवाज सुनाई देता है हमें, दैट इज नोन एज आवर नॉकिंग. क्लियर है? तो हाउ विल यू डिफाइन द टर्म नॉकिंग? नॉकिंग इन एन इंटरनल कंबशन इंजन इज नथिंग, इट इज ए शार्प साउंड यूज्ड बाय द premature combustion of the part of the compressed air fuel mixture in the cylinder. ठीक है, premature combustion का मतलब क्या होता है? What do you mean by premature combustion? Anyone? Anyone? What do you mean by premature combustion? Yeah, boy. एबनॉर्मल कंबशन जब कोई, हेलो, हाँ बोलो बोलो, जब फ्यूल प्रॉपर तरफ से कंप्रेस नहीं हो पाता है या फिर इन द कॉर्नर जो बच जाता ना, तो वही उसी को बोलते हैं प्रीमैच्योर कंबशन. प्रीमैच्योर कंबशन से मतलब क्या हुआ? देखो कि सपोज कि फर्स्ट साइकिल हुआ, मेरे पास इंजन सिलेंडर अरेंजमेंट है, दिस इज द इंजन सिलेंडर अरेंजमेंट, राइट? फर्स्ट साइकिल मेरा पास कंप्लीट हुआ. आफ्टर द सेकेंड साइकिल, जब सेकेंड साइकिल पे मैं आता हूँ, बात करता हूँ, तो उस समय क्या होता है?
स्पार्क प्लग, दिस इज द स्पार्क प्लग हियर, दिस इज द इनलेट वाल्व हियर एंड दिस इज द एग्जॉस्ट वाल्व हियर, राइट। ठीक है, इनलेट वाल्व से क्या हमने क्या किया, फ्यूल हमने क्या किया, एयर फिल मिक्सचर को इंसर्ट किया, राइट, एयर फिल मिक्सचर को हमने इन किया विद इन द कंबशन चैम्बर, कंबशन चैम्बर में हमने इंसर्ट किया, राइट, क्लियर। ठीक है, अब विदाउट द यूजिंग ऑफ स्पार्क प्लग, हम बिना स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किए बिना जो फ्यूल जल जाता है, राइट, ठीक है, दिस इज द प्रीमेच्योर कंबशन, राइट। ठीक है, प्रीमेच्योर कंबशन बेसिकली इट इज हैपन व्हेन द बिफोर द टीडीसी, बिफोर द रीचिंग ऑफ दिस पिस्टन एट द टीडीसी, टीडीसी पहुंचने से पहले क्या होता है कि पहले ही आपका जो फ्यूल है बर्न कर जाता है। क्यों, कारण क्या हो सकता है कि फर्स्ट साइकिल में मान लो कि कुछ गैसेस रहा, कुछ गैसेस पार्टिकल या मान लो कुछ एलिमेंट जो रहा आपका, या तो हो सकता है एग्जॉस्ट वाल्व का जो आपका पोर्ट होता है या इनलेट वाल्व का पोर्ट होता है या आपका ये आपके क्या इसको बोलते हैं ये स्पार्क प्लग का जो टिप होता है, राइट, या हो सकता है कि सिलेंडर हेड जो पिस्टन हेड रहता है उस पर कोई भी एलिमेंट रहता है जो हॉट कंडीशन में रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन से मान लो कि यहाँ पे एयर फिल मिक्सचर हमने डाला, तो सपोज कि एयर फिल मिक्सचर का जो टेम्परेचर है ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर लिया, ठीक है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर लिया, तो देयर विल बी एयर ऑटो इग्निशन प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, फ्यूल एयर मिक्सचर क्या कर जाएगा, बर्न कर जाएगा, राइट, फ्यूल यहाँ पे ऑटोमेटिकली बर्न कर जाएगा विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ और विदाउट द यूजिंग फ्लेम फ्रॉड, ठीक है, विदाउट यूजिंग स्पार्क प्लग और फ्लेम फ्रॉड, राइट, ठीक है, तो दिस इज नोन एज आवर प्रीमेच्योर और ऑटो इग्निशन, ठीक है, ऑटो इग्नाइट हो जाता है, ऑटोमेटिकली इग्नाइट होता है विदाउट गिविंग द हीट और स्पार्क, राइट, क्लियर। ड्यू टू दिस रीजन देयर विल बी ए नॉकिंग फेनोमेनन इन द इंजन, राइट, क्लियर। दिस टाइप ऑफ नॉकिंग और डेटोनेशन हैज बीन ऑब्जर्व बाय दिस साइंटिस्ट, दैट इज नोन एज द साइंटिस्ट नेम क्या है इसका, हैरी रिकार्डो, राइट, बिटवीन द 1916 टू 1919, राइट, ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, यस सर, ओके, ओके, तो सम देयर आर सम रीजंस और क्यूजेस ऑफ द नॉकिंग इन द पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन में क्या होता है, कारण क्या होता है नॉकिंग का, प्री इग्निशन एंड अनदर इज इन वायलेंस कंबशन, ठीक है, पहला होता है प्री इग्निशन जो फ्यूल जो पहले ही जल जाता है और दूसरा इन वायलेंस कंबशन, राइट। इन द केस ऑफ डीजल इंजन द क्यूजेस ऑफ नॉकिंग इज ड्यू टू द डिले ऑफ इग्निशन, इग्निशन में जो डिले करते हैं, that is why that is accuses of knocking in the case of diesel engine, right, and another reason may be there, that is the contaminated fuel, suppose ki aapne fuel mein kya kiya, fuel mein aap kuch moisture add kar diya, theek hai, ab water molecule hai ya kuch moisture se uska calorific value ghat gaya, theek hai, so that will be also accuses the knocking, right, theek hai, characteristics of the fuel, theek hai, that may be the density or a specific fuel स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्यूल में भी देयर, ठीक है, ऑल्सो देयर इज अनदर पैरामीटर दैट इज द डिजाइन ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ द इंजन, ठीक है, इंजन का डिजाइन पे भी डिपेंड करता है, राइट, देयर मे बी ए नॉकिंग मे बी क्यूजेस ड्यू टू द डिजाइन ऑफ द इंजन ऑल्सो, राइट, क्लियर, इज इट क्लियर, दीज आर द क्यूजेस ऑफ द नॉकिंग इन डिफरेंट इंजन, राइट। लुक एट द फिगर हियर, what is the normal and abnormal combustions already I have discussed, right, ठीक है, हमने discuss कर रखा है कि पहला क्या होता है, this is the cross section of the combustion chamber and यहाँ पे क्या है मेरे पास, spark plug, ठीक है, यहाँ से spark हमने generate किया तो flame front generate होगा, right, ठीक है, and flame front will travel throughout the combustion chamber evenly, clear or uniformly, ठीक है, That process is known as our normal combustion. Normal combustion में क्या हम देखते हैं कि when the flame travel evenly or uniformly across the combustion chamber, this process is known as normal combustion process. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, spark जो होता है, यहाँ से spark plug से spark generate होता है, and this spark or flame front will travel uniformly throughout the combustion chamber. Is it clear or not? Is it clear or not? Is it clear or not? Yes, sir.
ओके वेरी गुड. बट इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंबशन जस्ट लुक एट द फिगर हियर. इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंबशन सी दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पार्क प्लग क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंबशन चैम्बर. सपोज दिस इज द स्पार्क प्लग है ठीक है. स्पार्क प्लग में क्या है फ्रंट फ्लेम फ्रंट जनरेट होगा ठीक है. एक न्यूक्लियस जनरेट होगा उसके बाद फ्लेम फ्रंट जनरेट होगा. ये फ्लेम फ्रंट क्या होगा थ्रू आउट द कंबशन चैम्बर ट्रेवल करना शुरू कर जाएगा. लेकिन इधर का जो चार्ज है सपोज कि ये कंप्रेस हो रहा है. ये चार्ज क्या हो रहा है कंप्रेस हो रहा है ठीक है. ड्यू टू द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल ड्यू टू द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल द रिमेनिंग चार्ज और एंड चार्ज में गेट्स कंप्रेस्ड. दैट इज वाई द टेम्परेचर ऑफ द चार्जेस रिमेनिंग चार्जेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी इंक्रीज राइट ठीक है. तो जो रिमेनिंग चार्जेस है तो उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है. लेकिन क्या होता है कि सपोज कि कोई भी पार्टिकल है यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सर का ठीक है. या किसी भी पॉइंट पे यदि मान लो टेम्परेचर अचीव कर गया अबव द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल देन व्हाट हैपन देन देयर विल बी ए स्पार्क जनरेशन. सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर वी विल रीच द वैल्यू ऑफ सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर राइट ठीक है. तो यहाँ से एक स्पार्क प्लग जनरेट हो जाएगा क्लियर. यहाँ से स्पार्क एक और जनरेट हो जाएगा एंड देयर विल बी ऑल्सो ए फ्लेम फ्रंट ठीक है. ये फ्लेम फ्रंट भी क्या करेगा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू हो जाएगा राइट ठीक है. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ड्यू टू दिस रीजन इफ द टेम्परेचर ऑफ द इंड चार्जेस जो है इंड चार्जेस क्या करेगा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर लेगा. इट विल गेट्स व्हाट इट विल गेट्स ऑटो इग्नाइटेड राइट. इट विल गेट्स ऑटो इग्नाइटेड एंड देयर विल बी ए एक्स्ट्रा फ्लेम फ्रंट विल बी डेवलप हियर एंड दिस फ्लेम फ्रंट विल टेंड्स टू ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन राइट. अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रीवियस फ्लेम राइट. क्लियर इज इट क्लियर ऑर नॉट यस सर. हेलो ओके. और ये क्या होगा कि ये दोनों फ्लेम फ्रंट क्या करेगा दैट विल कोलाइड विथ ईच अदर ठीक है. ये दोनों क्या करेगा ये एक दूसरे को साथ कोलाइड कर जाएगा ठीक है. एंड रिजल्टिंग इन द हाई प्रेशर पल्स वेव जनरेट ठीक है विच क्यूजेस द जनरेशन ऑफ हाई प्रेशर वेव यहाँ पे जनरेट होगा ड्यू टू विच वी विल लिसन क्लियरली द एबनॉर्मल साउंड. This sound is known as our knocking or detonation, right? Is it clear or not? Is it clear or not? Detonation is what? Due to the high pressure wave के कारण जो होता है दो जो आपका flame front collide करता है तो they will generate the high pressure wave. ठीक है. Due to this, there will be abnormal sound developing within the system within the combustion chamber, right? And this is known as detonation or knocking. Is it clear or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. इस कंडीशन में क्या होता है यदि मान लो कि हमें कंप्रेशन इधर चाहिए सपोज कि इधर में हमें कंप्रेशन चाहिए सो दैट वी विल गेट द वर्क हियर. वर्क कहाँ मिलता है हमें पिस्टन पे हम क्या करते हैं फोर्स करते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस ब्रास्टिंग फोर्सेस ठीक है. ब्रास्टिंग फोर्सेस ऑफ द गैसेस ठीक है. तो ये अपोजिट में ट्रेवल करना शुरू कर जाएगा तो आपका क्या है कुछ गैसेस जो है अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाना शुरू कर जाएगा ठीक है. तो देयर विल बी लॉसेस इन द वर्क ठीक है. तो वर्क में कुछ लॉसेस होगा ड्यू टू दिस कंडीशन देयर विल बी ऑल्सो डिक्रीज इन द एफिशियंसी ऑफ द इंजिन. इज इट क्लियर और नॉट क्लियर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Okay, very good. Very good. Okay. This is the normal combustion and this is the example of explosion that is the abnormal combustion ठीक है. abnormal combustion और normal combustion में देखो figure में आप identify कर सकते हो कि what is the effect of normal and abnormal combustion on the
क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन, राइट? ठीक है, तो पिस्टन में बेसिकली क्या रहता है, यूनिफॉर्म फोर्स लगता है विद इन द ड्यूरिंग द नॉर्मल कंबशन, बट ड्यू टू द एक्सप्लोशन देयर विल बी क्या इंपैक्ट फोर्सेस के कारण दे मे डैमेज द इंजन पार्ट, राइट? ठीक है, या तो आपका क्रैंक शाफ्ट और आपका पिस्टन जो है उसको डैमेज करने का चांस रहता है, ठीक है? दैट इज व्हाई देयर विल बी एबनॉर्मल ड्यूरिंग द एबनॉर्मल कंबशन देयर विल बी अ अब्रप्ट साउंडेड ऑकर्स, राइट? ठीक है, एबनॉर्मल साउंड हमें सुनाई पड़ती है, राइट? ठीक है, राइट? ठीक है, तो कंबशन क्या होता है, कुछ एबनॉर्मल कंबशन क्या क्या होते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है? तो एक होता है ऑटो इग्निशन, राइट? ठीक है, एंड अनदर इज प्री इग्निशन, ठीक है? एक ऑटो इग्निशन होता है, अनदर इज प्री इग्निशन, राइट? व्हाट इज ऑटो इग्निशन एंड प्री इग्निशन, कैन यू टेल मी एनीवन? जस्ट आई हैव टोल्ड ऑलरेडी व्हाट इज ऑटो इग्निशन, व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑटो इग्निशन, व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑटो इग्निशन? विशाल कुमार मंडल, कैन यू टेल मी? सर स्पार्क प्लग के, व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑटो, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर, सर आप क्या बोल, सर सुनाई नहीं दिए, आई एम नॉट ऑडिबल, तुम्हारा आवाज क्लियर है विकास? देखो कोई बताना चाहेगा ऑटो इग्निशन क्या होता है? अब जब मैं बताया, हां बोलो, फ्लेम इसमें रहता है ना, तो इसलिए तो ऑटो इग्निशन होता है, ऑटो इग्निशन तो फ्लेम का होना जरूरी है। साक्षी बताएंगे, साक्षी साक्षी, यस सर, please tell me what is the auto ignition, is it necessary to have a sparking or a flame front for the auto ignition? nahi isme nahi, kyunki sir ye pehle ignite hua tha, spark plug dene se pehle isme matlab itna capacity rehta hai ki compress karte tabhi ye apne aap ye jalna shuru ho jata hai. okay, very good sakshi. dekho auto ignition kya hota hai ki when a fuel air mixture is introduce inside the combustion chamber, suppose हमने क्या किया, introduce किया air fuel mixtures को, right? ठीक है, तो due to the previous cycle, ठीक है, there may be some point where the temperature is high, ठीक है, कोई भी ऐसा point हो सकता है cylinder के अंदर या combustion chamber के अंदर जिसका temperature already पहले से ज्यादा रहता है, पहले से गर्म रहता है, ठीक है? तो जब हम air fuel mixture को उसमें insert करते हैं तो क्या होता है कि सपोज कि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो पेट्रोल का होता है उसके बराबर उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, ठीक है? विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्पार्क द फ्यूल गेट्स ऑटो इग्नाइटेड, क्लियर? फ्यूल क्या है, ऑटोमेटिकली खुद व खुद वो उसमें आग लग जाती है, क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ऑलरेडी अचीव कर लेता है, ठीक है, क्लियर? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज आवर ऑटो इग्निशन process, is it clear? तो यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ, a mixtures of fuel air can react spontaneously, this process is spontaneously, ये अचानक से होता है, and produces heat by chemical reactions in the absence of flame. क्या यहाँ पे लिखा गया है, in the absence of flame we are not going to produce the spark here, right? ठीक है, due to the absence of flame combustion process is started, that process is known as our सेल्फ इग्निशन प्रोसेस, ठीक है? तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि राइट ए नोट ऑन द ऑटो इग्निशन प्रोसेस, क्लियर? ठीक है, तो आपको इसी तरीके से आपको समझ में आएगी तो आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है? दिस टाइप ऑफ सेल्फ इग्निशन इन द अब्सेंस ऑफ फ्लेम इज नोन एज ऑटो इग्निशन प्रोसेस, ठीक है? टेम्परेचर इस कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर एट विच द सेल्फ इग्निशन टेक प्लेस इज नोन एज आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है? तो इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, क्लियर? क्यों नहीं हो रहा है जी, क्लियर माय ड्रॉइंग? ओके, द टेम्परेचर, ओके, यहाँ पे समझ में आई बात, ऑटो इग्निशन की क्या प्रोसेस होती है, व्हाट इज ऑटो इग्निशन, हाउ द ऑटो इग्निशन इज हैपनिंग हियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस सर, ओके, ठीक है,
तो ठीक है, तो ऑटो इग्निशन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें अचानक से एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, अचानक फ्यूल बर्निंग होता है और अचानक से रिलीज कर देता है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसके कारण क्या हो सकता है, इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर विल एब्रप्टली इंक्रीज, अचानक से टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, विच लीडिंग टू द एबनॉर्मल कंबशन, ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज द डेटोनेशन, बिकॉज वी विल एब्जॉर्ब सम अनडिजरेबल साउंड, ठीक है, एंड दिस इज वेरी हार्मफुल टू द इंजिन परफॉर्मेंस, am I right or not, there may be a decrease in the work as well as efficiency of the engine due to the auto ignition, clear hai ki nahi hai, clear hai na, okay, very good, now we are going to discuss about the pre ignition, theek hai, pre ignition kya hota hai, pre ignition is nothing, it is the ignition of the homogeneous mixture, already I have discussed about the homogeneous and heterogeneous, theek hai, तो होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस का डिफिनेशन हमें बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है, तो प्री इग्निशन इज व्हाट, इट इज द इग्निशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, एज इट कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द हॉट सरफेस इन द अब्सेंस ऑफ स्पार्क, ठीक है, यहां भी क्या होता है, देखो ऑटो इग्निशन क्या होता है, किसी भी समय हो सकता है, लेकिन प्री इग्निशन क्या होता है, आपका जस्ट बिफोर द आपका जो स्पार्क देते हैं उससे पहले की हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब्सेंस ऑफ द स्पार्क, यहाँ भी क्या होगा, विच द इग्निशन प्रोसेस विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली इन द अब्सेंस ऑफ स्पार्क प्लग, इज इट क्लियर, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका कुछ पोर्शन रहता है, सपोज की प्रीवियसली जो हमने साइकिल हमने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, क्लियर, तो उस साइकिल में क्या हुआ, प्री इग्निशन इज इनिशिएट बाय, देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्री इग्निशन इज इनिशिएट बाय सम ओवरहीटेड प्रोजेक्टिंग पार्ट सच एज स्पार्किंग प्लग, ठीक है, स्पार्क प्लग जो होता है सपोज उसके कुछ पार्ट्स हो सकता है, या इलेक्ट्रोड का कुछ पार्ट्स हो सकता है, या एग्जॉस्ट वाल्व, या कुछ भी आपका कॉर्नर पोजिशन, या आपका जो पिस्टन होता है उस पर कुछ कार्बन डिपोजिट होता है जिसका टेम्परेचर जो होता है बहुत ज्यादा होता है, अब उसमें आप फ्रेस एयर फ्यूल मिक्सर डालोगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट साइकिल, तो व्हाट विल हैपन, द फ्यूल विल गेट्स ऑटो इग्नाइटेड, ठीक है, तो ऑटो इग्नाइटेड हो जाएगा, तो बिफोर रीचिंग द टीडीसी सेंटर, आप क्या करोगे, बिफोर रीचिंग द टीडीसी सेंटर फ्यूल क्या कर जाएगा, यहाँ से फ्यूल डालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली सपोज की ये क्या कर रहा है, ऊपर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, पिस्टन ऊपर ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम BDC to TDC ट्रेवल कर रहा है, और ड्यूरिंग दिस ट्रेवलिंग प्रोसेस द फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग, ठीक है, दैट इज नोन एज अवर प्री इग्निशन प्रोसेस, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ आप पिस्टन का मूवमेंट अपर की तरफ है, लेकिन ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द गैसेस द डाउन फोर्सेस विल बी देयर, राइट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देयर विल बी ए लॉसेस इन इंजन स्पीड में लॉसेस होगा एज वेल एज पावर लॉसेस होगा, ठीक है, ड्यू टू दिस इफिशियंसी गेट्स डिक्रीज, ठीक है, इफिशियंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ऑल्सो यू विल एब्सॉर्ब सम एबनॉर्मल साउंड, क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सर, ओके, ये सब जो है हमारा इंजन को हार्म करता है, ठीक है, this is undesirable to our engine health, is it clear na, ye erase kyon nahi ho raha ji, okay, theek hai, to next pre ignition aur auto ignition mein samajh mein aaya, you may ask from here in the examinations, theek hai, effect दोनों में अंतर तो बताया कि आपका ऑटो इग्निशन किसी भी स्टेज पे हो सकता है, ठीक है, किसी भी आप स्पार्क प्लग जनरेट कर दिए, ठीक है, स्पार्क प्लग ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन मान लो कि एंड चार्जेस में मान लो कि टेम्परेचर ज्यादा पहुंच गया, दैट इज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के अबव, तो ऑटोमेटिकली जनरेट और इग्नाइट हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, दोनों सेम होता है, यहाँ भी ऑटो इग्निशन होता है, प्री इग्निशन में भी क्या होता है, ऑटो इग्निशन ही होता है, लेकिन प्री इग्निशन कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो आपका टॉप डेड सेंटर पहुंचने से पहले ही हमारा फ्यूल जल जाता है, ठीक है, दैट इज द प्री इग्निशन प्रोसेस, ठीक है, सम वॉट कुछ जलता है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली जलता है,
कंप्लीटली जल जाएगा तो आपका पूरा पावर लॉस हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो कुछ पोर्शन हमारा फ्यूल का पहले जल जाता है, ठीक है। एंड ड्यू टू सम ऑटो इग्निशंस आल्सो देयर विल बी अ सम ऑटो इग्निशंस बर्निंग ऑफ द फ्यूल ड्यू टू द ऑटो इग्निशन, ठीक है। एंड दिस आर ऑल द लॉसेस, ठीक है, लॉसेस ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल, दैट इज द एबनॉर्मल कंबशन। इज इट क्लियर? दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर है विकास? क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्री इग्निशंस? प्री इग्निशंस में क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ डेटोनेशन इज इंक्रीज, ठीक है। अब क्या होता है कि इंक्रीज ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सिलेंडर वाल बिकॉज हाई टेम्परेचर गैसेस रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटो इग्निशंस, समझ ऑटो इग्निशंस मतलब क्या हुआ, टॉप डेड सेंटर से पहले इग्नाइट हो जाता है फ्यूल, ठीक है। तो इग्नाइट फ्यूल हो जाता है, टॉप डेड सेंटर पहुंचा, उसके बाद फिर से एक्सपेंड करना शुरू हुआ, ठीक है, कंप्लीट कंबशन के बाद, ठीक है। तो उसके उस ड्यूरेशन में क्या होता है, द हीट जो टेम्परेचर जो होता है, हाई गैस का जो टेम्परेचर होता है, जो आफ्टर वी विल गेट आफ्टर बर्निंग ऑफ द फ्यूल, ये लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, सिलेंडर वाल के कॉन्टेक्ट में रहता है। तो देयर विल बी ए चांसेस टू लॉस ऑफ हीट ड्यूरिंग दिस कंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो क्या करता है, हीट कहाँ ट्रांसफर कर देता है, वो सिलेंडर वाल के थ्रू इन्वायरमेंट में ट्रांसफर कर देता है। यदि ज्यादा देर तक आप हीट जलाओगे तो क्या, हमें क्या चाहिए, तुरंत इंस्टेंट हीट जलाओ और इंस्टेंट वर्क हमें मिल जाना चाहिए, राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल का इग्निशन क्या होता है, पहले हो जाता है, ठीक है। तो पहले हो जाता है तो उसके कारण आपका जो हाई टेम्परेचर जो आपका गैसेस रहता है within the cylinder or within the combustion chamber, that will be in the contact of our cylinder wall, ठीक है, cylinder wall के contact में रहता है। तो cylinder wall क्या है, the conductive material है, cylinder wall क्या है, एक conductive material है, ठीक है। वहां से heat losses होना शुरू हो जाता है due to the conduction process, ठीक है, clear, is it clear? So there is a losses, right, due to the Sudhanshu video आपका on है, pre-ignition process, pre-ignition, Sudhanshu, ओके, तो प्री इग्निशन प्रोसेस में क्या होता है, आपका स्पीड एंड पावर भी लॉस्ट हो जाता है, क्लियर। देयर मे बी अ चांसेस टू डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, इज इट क्लियर? ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग्स इन द लास्ट क्लासेस, तो देखो तो ये क्या है मेरे पास फिगर, so shows the cross section, figure shows the cross sections of the combustion chamber with flame advancing from the spark plug locations, ठीक है। देखो यहां से ध्यान से देखो, ये क्या मेरा बता रहा है जी, this is the spark plug here, this is what, this is the spark plug here, this is the spark plug here, and this is, suppose this is the flame front here, flame front is traveling from A to D, clear? यहां से यहां travel कर रहा, ठीक है। This is the burning and this is the unburned fuel here, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, in the normal combustion of the flame travels across the combustion chamber from A towards D, the advancing flame front compresses the end charges. देखो ये जो इंड चार्जेज है उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो फ्यूल जो है, यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सर जलेगा तो क्या करेगा, एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने का कारण क्या होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ये जो रिमेनिंग चार्ज है उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो यही बता रहा है, द एडवांसिंग फ्लेम फ्रंट कंप्रेसेस द इंड चार्जेज, दैट इज चार्जेस कंटेन इन द B-D पोर्शंस, ठीक है, B-D portions में जो चार्ज होता है उसको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। इसके कारण क्या होगा, देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चार्जेस, इज इट क्लियर। द टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एडवांसिंग फ्लेम, यहाँ से टेम्परेचर क्या करेगा, यहाँ से आपका हीट यहाँ से ट्रांसफर करेगा, ड्यू टू दिस ऑल्सो द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑफ दिस फ्रेश चार्जेस, इज इट क्लियर और नॉट? Is it clear or not? Hello? Clear, sir.
ओके तो इसी तरीके से क्या होता है कि कंप्लीट फ्यूल का कंबशन यदि हो जाता है नॉर्मल वे में तो दैट इज नोन एज आवर नॉर्मल कंबशन। ठीक है, नॉर्मल कंबशन का ग्राफ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि आपका स्टेजेस ऑफ कंबशन में ये पीक पॉइंट है, तो सी की हम बात कर रहे थे, उसके बाद दिस इज द आफ्टर बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, आफ्टर बर्निंग स्टेज राइट। ठीक है, एंड दिस इज द नॉर्मल कंबशन। ठीक है, अब नॉर्मल कंबशन की हम बात करते हैं तो यही आएगा आपका ठीक है, दिस इज द एबनॉर्मल कंबशन। ठीक है, तो यहां पे देखो इफ द टेम्परेचर ऑफ एंड चार्जर हैज नॉट रीच इट्स सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर द चार्ज वुड नॉट ऑटो इग्नाइट। ठीक है, यदि आपका इस किसी भी पॉइंट पे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे अचीव नहीं किया कोई पॉइंट तो क्या करेगा, ऑटो इग्नाइट नहीं होगा। लेकिन यदि क्या हो जाएगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को कोई भी पॉइंट यहाँ पे अचीव कर लिया तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ ऑटो इग्निशन प्रोसेस। ठीक है, ऑटो इग्नाइट हो जाएगा फ्यूल। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी क्या करेगा, फ्लेम फ्रंट बन जाएगा एंड दैट फ्लेम फ्रंट और दिस फ्लेम फ्रंट विल कोलाइड विद दिस फ्लेम फ्रंट। ठीक है, और इस दोनों का कोलिजन क्या प्रोड्यूस करेगा, एक प्रेशर पल्स जनरेट करेगा। ठीक है, ड्यू टू दिस we will observe an abnormal sound and that sound is known as knocking here. Is it clear? That sound is known as knocking or abnormal combustion. ठीक है, so this second flame front यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया this a second flame front develop and moves in the opposite directions where the collision occur between the flames. ठीक है, दो flame में क्या है, collision occur आएगा that causes severe pressure pulsations and leading to knocking of the combustion. Knocking combustion यहाँ पे होना शुरू है, combustion तो होगा लेकिन that will be a abnormal combustion. यहाँ पे क्या हमें observe होगा, एक abnormal sound हमें observe होगा that will damage to the engine health, right? Dangerous to the engine health. Clear? Is it clear? Okay. तो effect of detonations क्या है? टाइम हो गया क्या जी? हेलो, इफेक्ट देयर इज सम इफेक्ट। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, नॉइस एंड रफनेस विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पल्सेटिंग नॉइसेस। ठीक है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द प्रेशर वेव देयर विल बी एबनॉर्मल साउंड। ठीक है, देयर विल बी नेक्स्ट इज मैकेनिकल डैमेज। ठीक है, हाई प्रेशर वेव के कारण क्या होगा, देयर विल बी ए इंक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ wear and tear of the combustion chamber part, उसमें क्या आएगा, wear and tear होने की chances बढ़ जाएगी। ठीक है, erosion of the piston, cylinder head और pitting effect will be there. ठीक है, तो यहाँ पे ये mechanical damage भी होने का chances रहता है। ठीक है, third is what, carbon deposition. ठीक है, तो detonations का result के कारण क्या होता है, there will be carbon depositions on the engine cylinder head और आपका किस पे रहेगा, आपका कार्बन जम जाता है किस चीज पे, आपका सपोज स्पार्क प्लग पे इलेक्ट्रोड गैप पे कार्बन जम जाता है, कभी कभी हमें साफ करवाने की जरूरत पड़ती है उसको। ठीक है, तो देयर मे बी सम बैड इफेक्ट ऑन द इंजन हेल्थ राइट। ठीक है, डिक्रीज इन द पावर एंड पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि ड्यू टू द डेटोनेशंस देयर विल बी अ डिक्रीज इन द पावर as well as efficiency. ठीक है, and pre-ignition process will be there. यदि मान लो कि कार्बन डिपोजिशन हो गया तो नेक्स्ट साइकिल में क्या है, कार्बन का टेम्परेचर यदि ज्यादा रहेगा तो देयर विल बी प्री-इग्निशन प्रोसेस और ऑटो इग्निशन प्रोसेस विल बी देयर। ठीक है, ड्यू टू दैट देयर विल बी अगेन पावर लॉसेस और इफिशियंसी लॉसेस विल बी देयर राइट। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टैंड द नॉकिंग फेनोमेना, हाउ द नॉकिंग प्रोसेस इज हैपनिंग हियर इन विद इन द सिलेंडर राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, okay. Thank you for being with us. This is all about today's sessions, right? We are going to close the session, right?